Hey guys, welcome to my channel. मैं हूं सिमी और आज मैं लेके आ रही हूं एक चीज। So, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि अगर मेरे जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। So, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रसेल का वाइप्स। ये टर्मरिक से बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा वाइप्स है। तो मैं अच्छे से फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर है क्यूकम्बर से बना हुआ है, ये गुडनेस का टोनर है। सो ये बहुत ही अच्छा है। सो अपने फेस को टोनर कर लिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का जेल। इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने नेक पे, फेस पे, क्योंकि इसे बेस अच्छा बनता है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ओली का हेलो हाइड्रोजन मॉइस्चराइज़र बूस्ट जेल क्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है फेस में, एक अलग सा ही रौनक लाता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। इसे अच्छे से मैं आईब्रो को फील कर लूँगी और इसे फील करने के बाद ये एक्चुअली मेरे मुझे ब्राउन शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ब्राउन शेड वो नेचुरली भी लगता है। देन इसे मैं NY का कंसीलर लेके हाईलाइट कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैं अपने आईब्रो के ऊपर साइड में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन उसके बाद से ब्लेंडर लेके उसे स्मज कर दे रही हूँ। ओके, देन अभी मैं दो कंसीलर को मिक्स करके लगा रही हूँ, एक NY का और एक स्क्वीज ब्यूटी का कंसीलर है, और इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होता है कि जो भी डार्क सर्कल्स है वो इतना शो नहीं होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाता है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लोसल का काजल। ये आपका 24 आवर्स स्टे करता है। फ्लोसल का काजल बहुत ही अच्छा है। इसे अच्छे से मैं एक ब्रश की सहायता से स्मच कर ले रही हूँ। आपका आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को मैं मिक्स करके उसे अच्छे से स्मच कर रही हूँ। देन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रीमेड ब्लैक आई शेडो कलर। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आई के ऊपर। देन उसके बाद मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये आपका पेस बेरी ब्राउन शेड है और इसे अच्छे से मैं स्मच कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि आई के ऊपर में जब भी आई मेकअप होता है उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका आई लुक बहुत ही अच्छा क्रिएट होके दिखता है। देन उसके बाद मैं एक ग्रीन ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का। सो इसे अच्छे से मैंने कर लिया। देन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का पैलेट। ये शुगर का पैलेट से जो हाइलाइटर है उसे मैं इनर कॉर्नर में अप्लाई किया। देन मेरा आउटर साइड में आईब्रो के नीचे मैं अच्छे से अप्लाई कर ली ताकि वो हाईलाइट दिखे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ NY का प्राइमर। NY का प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये जितने भी पोर्स हैं उसे ब्लॉक कर देता है और आपका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ HD का प्राइमर कंसीलर। ये आपका प्रो कॉन्टोर कंसीलर है। इसे मैं जितने भी मेरे डार्क स्पॉट हैं वो कवर करेगा। देन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। फिटमी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, इसका जो शेड है 230 है। देन अच्छे से अप्लाई करने के बाद अभी मैंने यूज़ किया है देन अभी मैं अर्बन कलर का एक फेस पाउडर सेट यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ली। देन ब्लेंड करने के बाद अभी कॉन्टोर में कर रही हूँ अपने फेस को सेम पैलेट में, और मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया। देन अपने नेक साइड पे, आपका चीक साइड पे मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है। अभी मैं एक ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये आपका लिटिल ब्लश है, मार्स का है। मार्स का बहुत ही अच्छा है। तो ये ब्लश आप इसमें बहुत सारे शेड और हाइलाइटर भी आपको मिल जाएंगे, तो ये मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसका सबसे अच्छा है कि इसका जो पिगमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इजीली अप्लाई हो जा रहा है, ब्लेंड हो जा रहा है।
सेम पैलेट से ही मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ अच्छे से, और सेम पैलेट से मैं हाईलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ अपने चिक बोन्स पे और नोज़ पे अच्छे से मैं हाईलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटर एक्चुअली लगाने से फेस में जो रौनक है वो आ जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं अभी अपने जो आईलैश है वो उसे मैं कर्ल्स कर ले रही हूँ। देन अभी मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ किया है। ब्लू हेवन का आईलाइनर ये बहुत मतलब चीप प्राइस में मिलता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा ब्लैक प्योर ब्लैक कलर भी देता है। सो सेम पैलेट से मैंने सेम ब्राउन शेड लिया है और अपने आई के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। देन मैंने क्लोसर का सेम काजल लिया है, काजल को मैंने अप्लाई कर लिया है, इसे भी स्मच कर लूँगी अच्छे से। और इसे स्मच करने से क्या होता है कि एक है ना आपका जो आई काजल है आपका वो फैलेगा नहीं। देन अभी मैं ब्लू हेवन का मस्कारा है उससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए, तो बहुत टाइम ऐसा होता है पहले तो मुझे आता ही नहीं था मस्कारा अप्लाई करना, बट अभी करते करते आ गया है। सो फाइनली मैं अभी मेकअप फिक्सर अप्लाई की हूँ। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैं सेम पाउडर से अपना जो फेस है वो सेट कर रही हूँ। देन अभी मैंने नेक्ट का एक लिपस्टिक लगाया है, वो लिपस्टिक बहुत ही अच्छा है। सो इसका जो मतलब शेड भी बहुत ही अच्छा है, प्लस इसका जो पिगमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अप्लाई करने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। सो मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक शेयर, और प्लीज़ कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।